स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम सूरज नेशनल पोर्टल को किया गया लॉन्च। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की जारी। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पांचवी बार चुनाव लड़ने के लिए उन्हें हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनने के लिए वो पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। तरनचुक बोले सीए के लागू होने पर इंडिया अलायंस को लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास पर ईडी ने की छापेमारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर काम लगातार जारी है, रास्ते को साफ किया जा रहा है। लोगों से अपील है कि वो ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करने के बाद ही करें यात्रा। जम्मू में आज धूप निकलने से मौसम हुआ खुश्क, तापमान में दर्ज की गई बढ़ोतरी। बता दें 22 मार्च से जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के आसार। स्टेट टाइम्स की बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।